टी20 वर्ल्ड कप 2021 यूएई और ओमान में शुरू हो चुका है, लेकिन सबकी नजरें 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले पर है। इस मैच से पहले ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने माइंड गेम शुरू कर दिया है। उन्होंने इस मुकाबले में अपनी टीम की जीत का दावा भी कर दिया है, वो भी तब जब टी20 और वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को एक भी बार हरा नहीं पाया है। दोनों देश वनडे वर्ल्ड कप में 7 बार और टी20 वर्ल्ड कप में 5 बार आमने सामने हुए हैं, लेकिन एक भी बार पाकिस्तान को जीत नसीब नहीं हुई है। लेकिन इस बार बाबर आजम जीत के हसीन सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि हम पिछले 3-4 सालों से यूएई में क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें इसकी कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है, हम जानते हैं कि यहाँ के विकेट कैसे खेलते हैं और बल्लेबाजों को पिच के मुताबिक अपने खेल में कैसे बदलाव लाने हैं। मेरा मानना है कि जो भी टीम उस दिन बेहतर क्रिकेट खेलेगी वो मैच जीत जाएगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हम ये मुकाबला जीतने जा रहे हैं। साथ ही बाबर आजम ने कहा है कि टीम के रूप में हमारा आत्मविश्वास और मनोबल वास्तव में ऊंचा है। हम अतीत के बारे में नहीं भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हमें पता है कि ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि हमारी तैयारी अच्छी है और हम उस दिन भारत को कड़ी टक्कर देंगे। हमारा इरादा इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में लय हासिल करना होगा। वहीं दोनों टीमों के बीच टी20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड सभी को पता ही है, ऐसे में पाकिस्तान को उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस भारी न पड़ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले में किसकी जीत होगी? आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।